हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो हम आ चुके हैं जीडी वेब के अकॉर्डिंग वीडियो के साथ और अपने इंडियन कास्ट के साथ। तो गाइस, जैसा कि आपने भाई लास्ट वीडियो में देखा था, हमने किया था अपने डंप ट्रक यानी कि अपने जाइंट ट्रक के साथ गाइस टोइंग चैलेंज। और हमने देखा था गाइस कि अपना डंप ट्रक जो है भाई कितनी गाड़ियाँ खींच पाता है। और गाइस आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं सेम चैलेंज अपने इस जेट प्लेन के साथ। और गाइस, ये कोई ऐसा ऐसा जेट प्लेन नहीं है भाई, ये है अपना मिलिट्री बेस का जेट प्लेन जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई दमदार है यहाँ पे। और हम लोग देखने वाले कि यार इस जेट प्लेन की जो कैपेसिटी है वो कितनी गाड़ियाँ खींच पाएगा। तो भाई जल्दी से एक एक गाड़ियों को बांधते हैं और गाइस खींच के देखते हैं कि यार ये जो प्लेन है भाई अपना मिलिट्री बेस वाला, ये कितनी गाड़ियों को खींच पाता है। ऐसे काफ़ी खतरनाक वाला प्लेन है भाई, पीछे से आग वाग वगैरह सब निकलती है इसके। तो भाई जल्दी से एक एक गाड़ियों को बांधते हैं और देखते हैं गाइस आखिर कितनी गाड़ियाँ खींच पाता है। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे प्लेन एकदम रेडी। और भाई पिछली बार की तरह इस बार भी हमने जो पहली गाड़ी यहाँ पे बांधी है भाई, वो है अपनी फोर्ड एंडेवर, अपनी सबसे भारी गाड़ी। भाई जल्दी से चलते हैं इस प्लेन के अंदर और देखते हैं क्या होता है। तो भाई माइकल बैठ चुके हैं अपने प्लेन में और इसके अंदर बैठना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, देख सकते हो भाई पूरा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। भाई जल्दी स्टार्ट करते हैं प्लेन को। और गाइस देख सकते हो पीछे तो पूरा लाल हो चुका है ये, और थ्रॉटल लेते हैं अब। ओके भाई, बहुत ही आराम से खींच रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा ईजिली खींच रहा है। मतलब मुझे थोड़ा थ्रॉटल दिया और यार इसने अपनी गाड़ी को खींच लिया, यानी कि यार एक गाड़ी से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक गाड़ी को और बांधता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने एक गाड़ी और बांध दी और ये गाड़ी अपनी काफ़ी भारी गाड़ी है। आखिर ये है भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो भाई जल्दी से बैठते हैं प्लेन के अंदर और देखते हैं गाइस क्या इसको भी अपना ये जो प्लेन है भाई ये खींच पाता है कि नहीं। तो ऑलराइट, माइकल को बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है इस प्लेन के अंदर, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो माइकल बैठ चुके हैं प्लेन में और देखते हैं अब क्या होता है। थ्रॉटल देते हैं। ओहो क्या बात है गैस, ठीक तो भाई काफ़ी आराम से खींच रहा है भाई। थ्रॉटल देते ही भाई एक सेकंड भी नहीं लग रहा है गैस प्लेन को यहाँ पे भाई खींचने में, यानी कि यार जो प्लेन की पावर है सच में काफ़ी मुश्किल है। तो भाई अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बांधूंगा भाई अपनी दो बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक साथ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अपनी XUV 700 और भाई अपनी टाटा हैरियर भी यहाँ पे बन चुकी है। और गैस लाइन इसकी भी भाई काफ़ी लंबी होने वाली है। तो भाई जल्दी से बैठते हैं प्लेन के अंदर और देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है, क्या ये प्लेन अभी भी खींच लेगा या फिर नहीं। तो आई बैठते हैं प्लेन के अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। और लाइट प्लेन अपनी हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट, इंजन हो चुका है गर्म होके लाल, और अब आती है भाई थ्रॉटल देने की बारी और देखते हैं क्या होता है। ओ क्या बात है, काफ़ी आराम से खींच रहा है यार, काफ़ी इजली खींच रहा है। पिकअप इसमें अभी भी पूरा का पूरा बरकरार है, यानी कि भाई पावर जो है गाइस इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है और दो गाड़ियाँ बांधनी पड़ेगी। तो इस बार जो मैं दो गाड़ियाँ बांधूंगा वो बांधूंगा अपनी XUV 500 और गाइस अपनी महिंद्रा बुलेरो। तो भाई जल्दी से इन दोनों गाड़ी को उधर लेके चलते हैं और फिर इनको भी बांधते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं बैठता हूँ XUV के अंदर भाई, क्योंकि पीछे 700 पीछे XUV 500 ही बांधते हैं हम लोग। तो गाइस अब यहाँ पे अपने 500 और गाइस बुलेरो भी बंध चुकी है और गाइस जो लाइन है अपनी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी सही। और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों भाई जो प्लेन है भाई अभी भी मानने नहीं वाला, ये अभी भी खींच सकता है। तो जल्दी से बैठते हैं प्लेन के अंदर और फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे माइकल फिर से बैठ रहे हैं प्लेन के अंदर और गाइस इस बार मुझे लग रहा है प्लेन को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अब प्लेन और ट्रक में काफ़ी फ़र्क होता है। तो भाई प्लेन अपना हो चुका है स्टार्ट और देते हैं अपना थ्रॉटल और क्या बात है भाई, क्या बात है, पिकअप थोड़ा कम हुआ यार, पिकअप यहाँ पे ना थोड़ा सा कम हुआ यार, अपने प्लेन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब कि इसमें जो पावर अपने डंप ट्रक से तो कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, और भाई वो तो कम होनी चाहिए क्योंकि भाई प्लेन को उड़ना होता है, उसमें ज़्यादा हैवी इंजन नहीं लगाया जा सकता। और अब मैं बांधने जा रहा हूँ यहाँ के पीछे अपनी अल्ट्रस G4 को, और ये वाली गाड़ी ना अच्छी खासी भारी, तो इसमें ना भाई अपने प्लेन को ना दिक्कत पक्का हो जाएगी भाई। इसको बांधता हूँ मैं और फिर बांधूंगा इसके पीछे बांधूंगा भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा को। तो भाई पहले इसको मैं बांधता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अपनी अल्ट्रा G4 और अपनी भारी भरकम इनोवा क्रिस्टा भी यहाँ पर रेडी है। तो भाई देख सकते हो भाई अपनी लाइन है यार ये कितनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और भाई सारी गाड़ियाँ हमने SUV बांधी भाई, भारी भरकम गाड़ियाँ बांधी, ऐसा नहीं कि भाई हल्की गाड़ी बांधी हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे यार अपने जो भाई जेट प्लेन है इसका क्या हाल है भाई, क्या ये खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा। तो भाई जल्दी से बैठते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, प्लेन अपना हो चुका है स्टार्ट गाइस, इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है यार। और अब देखते हैं थ्रॉटल और देखते हैं, ओह क्या बात है, ओह भाई यहाँ पे यार प्लेन अभी भी खींच रहा है। और भाई मुझे लग रहा है गाइस पावर तो है इसमें ही, पावर है अच्छी खासी, देख तो भाई ये प्लेन भाई अभी भी खींचे ही जा रहा है। तो भाई मुझे लग रहा है अभी और गाड़ियाँ यहाँ पे बांधने की ज़रूरत है, यानी कि भाई अपनी दो बड़ी गाड़ियाँ और बांधूंगा। इस बार मैं बांधता हूँ अपनी S11 को
और भाई साथ में इसके पीछे बांधूंगा गाइस अपनी सफारी को। तो ऑलराइट गाइस यहां पे अपने सफारी और स्कॉर्पियो दोनों ही ऐड हो चुके हैं और भाई हम वापस आ चुके हैं अपने BMX के साथ, क्योंकि भाई लाइन हो चुकी थी लंबी और माइकल को बहुत ही लंबा दौड़ना पड़ता, तो भाई यहां पे BMX अपनी हमेशा रेडी रहती है। तो मैं इसको यहां पे पार्क करता हूं और भाई बैठने प्लेन के अंदर। मेरे हिसाब से यहां पे ना अब अपने प्लेन का एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि यार इतनी ज्यादा पावर तो नहीं होगी अपने प्लेन में। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और यार ये प्लेन भी तो है मिलिट्री वाला, यानी कि हल्का फुल्का प्लेन नहीं है ये, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। प्लेन हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट और भाई देते हैं अब थ्रॉटल। ओहो तो गाइस यहाँ पे प्लेन खींचा, लेकिन अब देख रहे हो भाई इसकी स्पीड काफी स्लो हो चुकी है, पहले से बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रही है, लेकिन भाई बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है गाइस अब यहाँ पे एक गाड़ी और बांधने की जरूरत है, फिर उसके बाद ना अपने प्लेन का यहाँ पे एंड आ जाना चाहिए। तो इससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा यहाँ पे जो प्लेन है भाई कितनी गाड़ियों खींचने वाला है। तो भाई जल्दी से बांधते एक और गाड़ी को, इस बार मैं बांधता हूँ यहाँ पे अपनी थार को, और देखते हैं गाइस थार का वेट यार अच्छा खासा है यहाँ पे, तो मैं जल्दी इसको भी बांधता हूँ वहाँ पे। तो ये चली गाइस अपनी थार यहाँ पे, और मैं लगाता हूँ इसको जल्दी से अपनी सफारी 2021 के पीछे और पूरी सीधी करके लगेंगे, वरना गैस लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है यहाँ पे। तो ऑलराइट गाइस यार यहाँ पे अपनी थार भी बन चुकी है, तो अब जल्दी से चेक करते हैं क्या सिचुएशन है, क्या भाई अभी भी खींचेगा कि नहीं खींचेगा। और यार अपनी भाई साइकिल भाई 70 की स्पीड पे चला रहा था माइकल, यार क्या टांगे हैं तुम्हारी भाई, बहुत पावर है भाई इसके पैरों में। तो भाई अब बैठते हैं प्लेन के अंदर और देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है। तो ऑल लाइट सब कुछ रेडी है भाई, लाइन एकदम सही है, रस्सियाँ सारी की सारी कसी हुई हैं और प्लेन अपना हो चुका है स्टार्ट। अब देते हैं थ्रॉटल और गैस, देख सकते हो आप यहाँ पे 0 किलोमीटर भाई 0 किलोमीटर थ्रॉटल देते हैं, थ्रॉटल देने में भाई खींच रहा है, लेकिन गैस जैसी गाड़ियाँ रुकेंगी ये देखो एक की स्पीड गैस, एक की स्पीड। तो गैस यहाँ पे मेरे हिसाब से जो प्लेन है इसमें इतनी ज़्यादा पावर, ओह भाई स्पीड बढ़ रही है। एक बार फिर से रोकते हैं और अब दोबारा थ्रॉटल देते हैं। ओहो तो गैस अभी भी खींच रहा है यार, अभी भी खींच रहा है, यानी कि ना इसमें एक गाड़ी बांधने की ज़रूरत और भाई, और बहुत ही हल्की गाड़ी बांधनी, क्योंकि हल्का सा वेट ज़्यादा हुआ ना तो ये अटक जाएगा फिर। तो एक गाड़ी और बांधते हैं, मैं सोच रहा हूँ अपनी वितारा ब्रेज़ा को बांध देते हैं वहाँ पे चल के। तो ब्रेज़ा अपनी ये खड़ी हुई, तो मैं इसको जल्दी से लेता हूँ भाई, इसको भी बांधता हूँ पीछे और देखते हैं गैस तब शायद प्लेन यहाँ पे रुक जाएगा। मुझे लगा था गैस अभी रुक जाएगा, लेकिन प्लेन में क्या होता ना कि इसका ना वो जेट इंजन होता है भाई, धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ती है गैस। तो यहाँ पे मैं इसको पहले एक गाड़ी और बांधता हूँ, फिर देखते हैं गैस यहाँ पे जेट इंजन कितना दमदार निकलता है इसका। तो गैस यहाँ पे अपनी वितारा ब्रेज़ा भी बन चुकी है और अब मेरे ख्याल से यार अब प्लेन का यहाँ पे एंड आ जाएगा। तो जल्दी से बैठते हैं अपने प्लेन के अंदर और देखो भाई माइकल कितनी तेज साइकिल चलाता है यार। तो भाई इसको यहीं पर रोकते हैं और अब बैठते हैं यार अपने प्लेन में, और ढक्कन तो इसका खुला ही हुआ है, बस चढ़ के बैठ ही जाना है अंदर। तो ऑल राइट प्लेन अपना है रेडी और अब देने की बारी आती है यहाँ पे थ्रॉटल, और पहले प्लेन को ना फुल स्पीड पकड़ लेने देते हैं और अब देते हैं थ्रॉटल। ओहो फुल थ्रॉटल दे रखा है मैंने, फुल थ्रॉटल है और देख सकते भाई कितनी ज़्यादा इसके पीछे से आग निकल रही है, लेकिन अपना प्लेन अभी भी खींच नहीं पाया है। मैं थ्रॉटल रोक रोक के दे रहा हूँ, लेकिन देखो गाड़ियाँ कैसे हिल रही हैं यहाँ पे, यानी कि प्लेन जो है अपना खींचना चाह रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा, लेकिन अगर हल्का झटका दिया जाए। ओह भाई झटका देते गैस, देख तो प्लेन अपना वापस से यार फॉर्म में आ गया, लेकिन नहीं स्पीड धीमी हो रही है गैस की, स्पीड धीमी हो रही है, 3 की स्पीड है और 2 की हो गई, 3 2 3 2। तो गैस यहाँ पे ना अब अपने यार जेट प्लेन की जान निकल चुकी है गैस, अब ये नहीं खींच पाएगा। तो 1 की स्पीड हो चुकी है, अब थोड़ी देर में ना ये रुक भी जाएगा मेरे ख्याल से, इसको रुक जाना चाहिए। और लो भाई रुक गया यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे गैस अपने जो प्लेन की लिमिट थी वो अब चेक करते हैं कितनी लिमिट थी। तो गैस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गाड़ियाँ गैस, 12 गाड़ियाँ अपने इस जेट प्लेन ने खींच दी थी। मुझे लगा था गैस शायद ये जेट प्लेन है अपने डंप ट्रक से पावरफुल निकले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ गैस, 12 गाड़ियों के बाद इसका ना यार सीन खत्म हो गया। तो फिलहाल जो यार अपना जेट प्लेन था वो सिर्फ और सिर्फ 12 इंडियन कार्स ही खींच पाता है। तो गैस ये चीज़ आज की वीडियो में पता लग चुकी है। तो भाई उम्मीद है आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद है भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।